हमें देखना है इनपुट बफरिंग के बारे में। थोड़ा इसके लिए हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फेसेस ऑफ कंपाइलर के बारे में, तो फेसेस ऑफ कंपाइलर में हमने क्या देखा था कि जो भी इनपुट हमारे पास है, यानी जो सोर्स कोड हमारे पास है, जिस सोर्स कोड को कंपाइल करना है, ओके, तो वो सोर्स कोड जाता है सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस फेज के अंदर। देन लेक्सिकल एनालिसिस से वो जाता है सिंटेक्स एनालिसिस फेज के अंदर। लेकिन अभी हमें क्या जरूरत है? ओनली लेक्सिकल एनालिसिस फेज की हमें जरूरत है। इस फेज को लेके हम चलेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? ये किसी भी इनपुट को स्कैन करता है। और स्कैन करने का तरीका क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। और जब ये स्कैन करता है तो एक बार में ओनली एक कैरेक्टर को स्कैन करता है। मींस बंच ऑफ कैरेक्टर एक साथ स्कैन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कुछ कैरेक्टर्स हैं, इस तरीके से कैरेक्टर्स हमारे पास में। लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, वन बाय वन हर एक कैरेक्टर को स्कैन करते जाएगा। तो आखिर ये स्कैन करके पता क्या करता है? ये पता करता है टोकन्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से लीगल टोकन्स हमारे सामने हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास में बहुत सारे हैं, मीन्स ए लेक्सिकल एनालाइजर के पास में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, ओके। अब इन कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए, मीन्स वन बाय वन इन कैरेक्टर्स को स्कैन करना है, तो यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर यूज़ करता है टू पॉइंटर्स का। जो फर्स्ट पॉइंटर होता है उसे कहा जाता है बीपी, और जो सेकंड पॉइंटर होता है उसे कहा जाता है एफपी। जो बीपी है वो है बिगिन पॉइंटर, और जो एफपी यहाँ पर है वो है फॉरवर्ड पॉइंटर। अभी हमने क्या देखा था कि जो लेक्सिकल एनालाइजर्स होता है ये टोकन्स को स्कैन करता है। अब टोकन्स मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास में एक स्टेटमेंट है लाइक प्रिंट एफ, ओके हेलो। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रिंट एफ एक टोकन है, ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथिसिस एक टोकन है, और हेलो एक टोकन है, और सेमी कॉलन यहाँ पर एक टोकन है। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक रो बनाई है, इस रो के अंदर रखा हुआ रहता है टोकन्स, ठीक है। अब इनको हमको स्कैन करना है। पॉइंटर्स कितने हैं हमारे पास? दो पॉइंटर है। अब ये दोनों के दोनों पॉइंटर स्कैन करने की स्टार्टिंग में रखे हुए हैं, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे बिगिन पॉइंटर भी है और फॉरवर्ड पॉइंटर भी है। यानी यदि हमारे पास में फर्स्ट कैरेक्टर इस जगह पर रखा हुआ है, ओके, जिसको मैंने ब्लैक सर्कल से मार्क किया है, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टर टू स्कैन, तो स्टार्टिंग में दोनों ही पॉइंटर फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेंगे। अब ये लेक्सिकल एनालिसिस है, मीन्स ये है लेक्सेम, यानी टोकन्स कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर हमने लेफ्ट से स्कैन करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं पे तो इनका एंड होगा। तो फॉरवर्ड पॉइंटर क्या करता है कि ये जो लेक्सेम है जहाँ पे एंड हो रहा है उसका पता करता है। बिगिन पॉइंटर ने ओके स्कैन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो फॉरवर्ड पॉइंटर है, जब नेम से हमको मालूम पड़ रहा है, वो इस लेग्जेम के अंदर ये सर्च करेगा कि आखिर एंड कहाँ पे हो रहा है। अब एंड कहाँ पे हो रहा है कैसे पता चलेगा? वो होता है ब्लैंक स्पेस से। जहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ गई, डेट मीन्स स्कैनिंग का वहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक लेग्जेम है समथिंग लाइक दिस। इस लेग्जेम के अंदर यहाँ पर आई एन टी है, देन ब्लैंक स्पेस है, देन कॉमा है, देन कॉलन है, देन सेमी कॉलन है। अब यदि हम लोग देखें, जब हम इसको स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्कैन करना शुरू करेंगे, तो जो फॉरवर्ड पॉइंटर है वो ये पता कर लेगा कि ब्लैंक स्पेस आ रही है, मीन्स हमारा लेग्जेम यहाँ पर एंड हो रहा है। ये काम किसका है? फॉरवर्ड पॉइंटर का। अब यदि हमको वाइट स्पेस यहाँ पर मिल गई है, ओके, ब्लैंक स्पेस हमको यहाँ पर मिल गई है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला है उस कैरेक्टर पे बिगिन पॉइंटर भी आके सेट हो जाएगा,
और उस कैरेक्टर पे फॉरवर्ड पॉइंटर भी आके सेट हो जाएगा। अगेन इस कैरेक्टर से फिर से स्कैनिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट से राइट, वो सेम तरीका फॉलो होगा। फॉरवर्ड पॉइंटर क्या करेगा, वाइट स्पेस को सर्च करेगा, अगर उसको वाइट स्पेस मिलती है दैट मीन्स वहाँ पर लेगजेम का एंड हो रहा है। सो अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर टोकन्स को स्कैन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो भी इनपुट कैरेक्टर्स है उन इनपुट कैरेक्टर्स को सेकेंडरी स्टोरेज से रीड किया जा रहा है, ओके और लेक्सिकल एनालिसिस के लिए सेकेंडरी स्टोरेज से इनपुट को रीड करना ये कॉस्टली हो सकता है। अब इस केस में एक टेक्निक यूज़ की जाती है, उसे कहा जाता है बफरिंग टेक्निक। तो आखिर क्या होता होगा बफरिंग टेक्निक के अंदर, जैसे बफर क्या हमको पता है, ओके इस केस में क्या होता है कि जो भी सेकेंडरी स्टोरेज से, इस सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को पहले प्लेस किया जाता है एक बफर के अंदर, देन बफर से लेक्सिकल एनालाइजर के पास में। लेकिन बफर टेक्निक के अंदर दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहली मेथड को यदि हम लोग देखें तो वो है वन बफर स्कीम, और जो सेकेंड टेक्निक है वो है टू बफर स्कीम। इन दोनों ही स्कीम को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वैसे हमको नेम से क्लियर हो रहा है कि आखिर वन बफर स्कीम क्या होगा, टू बफर स्कीम क्या होगा। यदि हम वन बफर को देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओनली वन बफर का ही यूज़ किया जाएगा और टू बफर के अंदर टू बफर का यूज़ किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो वन बफर हमारे पास में है, ओके इसकी एक कैपेसिटी है और हमारे पास में एक टोकन है। अभी टोकन थोड़ा लेंदी आ गया है, लेंदी आ गया मीन्स वन बफर की कैपेसिटी के बाहर है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी टोकन हमारे पास में है, ओके वो पहले बफर के अंदर जाएगा। जितना बफर के अंदर चला जाए ठीक, अब उसके बाद सेकेंड टाइम बचा हुआ टोकन फिर से बफर के अंदर जाएगा। यानी वन टाइम में पूरा टोकन बफर के अंदर नहीं जा रहा है बल्कि वन बाय वन, जैसे ही बफर खाली हुआ ओके टोकन्स बफर के अंदर चले गया, फिर बफर खाली हुआ टोकन बफर के अंदर चले गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये बफर है, ओके यहाँ पर कुछ प्लेसेस खाली है। अब यदि मैं इस बफर के अंदर देखूँ तो हमको int इंटीजर ओके a इक्वल टू 10 हमको पुट करना है। सबसे पहले हमने इंटीजर को int बफर में रख दिया, स्पेस देन हमने a को बफर के अंदर रख दिया। अब बाकी के टोकन्स के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, मीन्स ये मैं वन बफर के बारे में बता रहा हूँ कि बफर एक्चुअली कर क्या रहा है, टोकन्स को स्टोर कर रहा है। तो हो सकता है कि जो बफर की लिमिट हो उससे ज़्यादा टोकन्स की लेंथ हो, उस केस में बफर में टोकन्स नहीं आ सकते। तो ये प्रॉब्लम वन बफर के साथ में आ सकती है। अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू बफर स्कीम का।